जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हेल्प बाय संदीप में। दोस्तों, किसान सम्मान निधि को लेकर के जो किसान हैं वो बहुत ही बड़ी दुविधा में है। दुविधा ये है कि कौन किसान इसको KYC को कराएंगे, कौन नहीं कराएंगे, तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और कैसे KYC करनी है दोस्तों वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है ताकि जानकारी आगे तक जो किसान हैं उन तक पहुँच पाए। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो डेट है, डेट बढ़ चुकी है। पहले 31 मार्च थी, अब 31 मई हो गई है। जी हाँ, बीच में डेट को 22 मई भी कर दिया गया था, लेकिन उसको हटा करके अब 31 मई कर दिया गया है, 31 मई तक कर दिया गया है। अब यानी कि आप 31 मई तक आप अपनी बड़ी ही आसानी से जो KYC है वो करा सकते हैं। दोस्तों KYC कराने का आपको लाभ बहुत ही मिलने वाला है, जैसे कि जो फंड ट्रांसफ़र है उसमें आसानी हो जाएगी और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनमें लाभ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा था KYC का, वो यहाँ पर हट चुका है, यानी कि पोर्टल में लगातार कुछ ना कुछ अपडेट किया जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ अपडेट और किए जा रहे हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट जिनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक था वो लोग अपनी KYC कर सकते थे, लेकिन वो ऑप्शन हट चुका है, टेक्निकल एरर है, कुछ टाइम बाद ये भी आ जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अब क्या करें, तो अब अभी फ़िलहाल जैसे CSC का इसमें ऑप्शन है तो आप जनसेवा केंद्र द्वारा अपना जो KYC है वो करा सकते हैं। दोस्तों जनसेवा केंद्र पर KYC कराने से आपको एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि आधार कार्ड से आपको मोबाइल नंबर लिंक कराने की नीड नहीं होगी, या अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब भी आप बायोमेट्रिक द्वारा जो KYC है वो करा सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है CSC का, तो जिनके पास CSC है वो जो वेली भाई इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वो उनको पता ही होगा, इस पर यहाँ जाना है आपको, अपना ID पासवर्ड इसमें एंटर करना है और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन दिया हो उस पर जा करके आधार नंबर और इमेज कैप्चा करके इसको सर्च करना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर दिया जाएगा, मांगा जाएगा, वहाँ देना है और उसके बाद में OTP जाएगा, उसके बाद बायोमेट्रिक ले लेना है। तो इस तरह से तो आप KYC कर पाएंगे। तो जो किसान भाई हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा जो टेक्निकल एरर आ रहा है कुछ ही समय बाद ये टेक्निकल एरर बिल्कुल सही हो जाएगा और आप लोगों को KYC कराने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं किन किसान भाइयों को अपना KYC करा लेना है। दोस्तों जो जनसेवा केंद्र है, जनसेवा केंद्र पर जो बायोमेट्रिक किया जा रहा है वो सभी किसान भाइयों का किया जा रहा है जिनके 2000 रुपये आने बीच में बंद हो गए थे, 2000 रुपये की जो इंस्टॉलमेंट आ रहा था, और जिनका नहीं भी आ रहा है वो दोनों ही करा रहे हैं, जिनका आ रहा है और जिनका नहीं भी आ रहा है वो दोनों ही करा रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रख लेना है, अपना KYC जरूर कराएं, ये ना समझें कि हमको नहीं कराना है। सभी किसान भाई अपना KYC जरूर करा लें ताकि उनका जो इंस्टॉलमेंट आ रहा है हमारे किसान भाइयों का तो वो बंद ना हो जाए। तो इसलिए सतर्क रहना है और टाइम टू टाइम इसको आपको सही करा लेना KYC को। दोस्तों ये थी हमारी आज की नई जानकारी, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।